dear students in this module we are going to discuss the sex and gender and its problematizing the binary construction of sex and gender sex refers to the biological and physiological characteristics that define males and females such as reproductive organs and hormones on the other hand gender refers to socially constructed roles Behaviors and identities associated with being male and female. So, the binary construction of sex and gender assumes that there are only two distinct and mutually exclusive categories, which is male and female. However, this binary construction is problematic as it does not account for the diversity. एंड कॉम्पलेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज़ जब हम इन दो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और हमें ये महसूस होता है कि शायद दो ही कैटेगरीज हैं सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेल और फीमेल जबकि ये जो एस्पेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ़ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जिसमें हम उनके बायोलॉजिकल फीचर्स की बुनियाद के ऊपर उनकी सेक्स को डिटरमिन करते हैं दूसरी तरफ हम जब जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर का ताल्लुक़ आपके बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट से नहीं होता बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है यानी हम मुख्तलिफ़ रोल्स को मुख्तलिफ बिहेवियरल एक्सपेक्टेशनस को और ख़ास तौर पर मुख्तफ़ बिलीफ्स को जो है वो ख़ास जेंडर के साथ मनसूब कर देते हैं जैसे मेल होगा तो उससे ये एक्सपेक्टेशंस होंगी और फीमेल होगी तो उससे ये बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस होंगी इसी तरह से उनके अटायर के हवाले से उनके गुफ्तु के अंदाज से और पर्टिकुलरली उनकी जो भी बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हैं वो सारी सोसाइटीज़ के अंदर सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं तो जेंडर के प्रोपोनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी बायोलॉजिकल बीइंग है वो आपकी सोशल बीइंग से इंटायरली डिफरेंट होती है क्योंकि बायोलॉजिकल बींग जो है वो सोशल बींग से डिटर्मिन नहीं हो सकती और बायोलॉजिकल बींग सोशल बीग को डिटर्मिन नहीं कर सकती सो इन पाकिस्तान देर इज़ आ स्ट्रॉग एम्फस ऑन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन विच कैन लिमिट इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन विद नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ तो अब इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जिनको हम मेल और फीमेल के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं उनकी आइडेंटिटी या उनकी सोशल आइडेंटिटी क्या होगी मुआरा उनको सोशली कैसे कंस्ट्रक्ट करता है जैसे कि हम ट्रांसजेंडर्स को देखते हैं तो ट्रांसजेंडर जो है वो इस बाइनरी ऑपोजिशन की किसी डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते हैं तो मुआरा जो है वो उसके हवाले से जो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स होते हैं वो एडिकेटली डिफाइन नहीं कर पाता the study of sex and gender requires a multidisciplinary approach incorporating perspectives from sociology biology psychology and anthropology because by problematizing this binary construction of sex and gender we can gain a deeper understanding of the ways in which gender is socially constructed and negotiated जो दो मेजर सक्सेस हैं उन्हीं से डील कर रहे होते हैं ह्यूमन बिहेवियर की जब बात करते हैं तो अमूमी तौर पे हम मेल और फीमेल बिहेवियर की बात करते हैं तो इसमें होता ये है कि वो जो एक माइनॉरिटी है जो इन दोनों बाइनरी कंस्ट्रक्शंस के अंदर फिटिन नहीं हो पाती है अनफॉर्चुनेटली उसके बिहेवियर को और उसके एट्रीब्यूट्स को उसके करेक्टरिस्टिक्स को और ख़ास तौर पर उसकी जो एस्परेशनस हैं और उसकी जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब को इग्नोर कर दिया जाता है तो एज़ अ सोशल साइंटिस्ट देखने की ये चीज़ है कि जब हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ऐसे ग्रुप जो इन बाइनरी अपोजिशन के अंदर फिट इन नहीं हो पाते हैं उनके राइट्स का, का का जो डेरिवेटिव सोर्स होगा वो फिर क्या होगा हमें किस तरह से अंदाज़ा होगा कि क्या वो भी जो हैं वो इक्वालिटी के इस आ, स, आ, सारे प्लेटफॉर्म के अंदर फिट इन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं So, it's very interesting to see that how these binary, uh, these binary constructions of sex and gender are affecting those minority groups.